रादौर सब्जी मंडी में कोविड नियमों की अवहेलना संबंधित लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बुधवार को एसडीएम रादौर सुरेंद्र पाल ने सब्जी मंडी का औचक निरीक्षण किया। हालांकि निरीक्षण के दौरान सब्जी मंडी में आज लोग नियमों की पालना करते हुए नजर आए। इस दौरान एसडीएम ने सब्जी मंडी के आढ़तियों व किसानों को कोविड के चलते जारी की गई गाइडलाइन की पालना करने की अपील की और नियमों की अवहेलना पर पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते अब शादी समारोह संबंधित कोई परमिशन नहीं दी जा रही, इसलिए परमिशन के लिए लोग ऑफिस में ना आए। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अब बिना पास बाहर घूमने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, इसलिए बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। मैं और डीएसपी साहब सवेरे 6 बजे हम सब्जी मंडी रादौर का दौरा किया। वहाँ कई जैसे कुछ अखबारों में वैसे शिकायतें आ रही थी कि भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, पर मौके पर सभी के पास मास्क मिले और जो भी जरूरी निर्देश थे उनको दे दिए गए हैं। निर्देश उनको ये दिए गए कि सभी मास्क लगा कर रखें, साफ सफाई रखें और डिस्टेंस रखें, भीड़ ना इकट्ठी करें, घर से बाहर ना निकलें और बहुत ही ज़रूरी हो, अब तो सरकार ने बगैर परमिशन के निकलना ही बंद कर दिया है, किसी भी काम के लिए पास लेना जरूरी है तब बाहर निकलें। अभी सुना है बाकी सरकारी तरफ से चिट्ठी जारी नहीं हुई है, शायद आज हो जाएगी, उस हिसाब से कार्रवाई कर ली जाएगी। अब सरकार ने जब से लॉकडाउन की घोषणा की है तब से शादी या किसी भी सामाजिक कार्यक्रम कार्यक्रम के लिए परमिशन लेनी बंद कर दी गई है। जिनको पहले परमिशन दी जा चुकी है उनको भी हम नज़दीकी से हम चेक कर रहे हैं, अगर कोई वॉयलेशन हो तो उनको भी तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। मेरा निवेदन है सभी से कि इस तरह के कार्यक्रम फिलहाल ना करें, कृपया करके इनको कुछ टाइम के लिए टाल दें। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।